मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था, और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था, और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए, और वे कफरनहूम में आए, और वो तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी
उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उससे कहा, वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे। दूसरा अध्याय। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। वो उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक झोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को
वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैवंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो और भी फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। और ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, ये सब के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। तीसरा अध्याय। और वो आराधनालय में फिर गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखें वो सब्त के दिन में उसे चंगा करता है अथवा नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे आश्चर्य के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे कि वे मुझे दबा न सके। उसने बहुतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्ला कर कहती थीं, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि वे उसे प्रकट ना करें। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बू अनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा,
और अन्द्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमोन का नानी और यहूदा, स्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। और वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है, और ये भी कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। चौथा अध्याय। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली। गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां
वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश था, उपद्रव होता है, वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 100 गुणा। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं जो प्रकाश में न लाई जाए, और न कुछ गुप्त है जो प्रकट न किया जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वो राई के दाने के समान हैं। जब वो भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ नहीं कहता था। परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? क्या आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? पांचवा अध्याय। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम कर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर बोला, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे विनती कर कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे विनती करके कहने लगे, हमारे सिवानों से चला जा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब आश्चर्य करते थे। जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था। और याइर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है
और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि उसकी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पत्रस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उस सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को ले वो भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने न पाए और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए। छठा अध्याय। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। और वो 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी न झोली न पटुके में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने पैरों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराएं और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। औरों ने कहा, ये एलिया है। परंतु दूसरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता
या भविष्य दुक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने ये सुनकर कहा, जिस यहुन्ना का सर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था। यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे उससे मैं तुझे दूंगा। उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वो तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा, और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब्र में रखा। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए, और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को ले स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5,000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे।
वो उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। और वे पार उतरकर गन्ने सरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वो है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वो गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र का आंचल ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। सातवां अध्याय। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते और जब तक भली भांति हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे। वे बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे। बहुत सी और बातें थीं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई थी, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे न समझ हो? क्या तुम नहीं समझते
कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। ये यूनानी और सूरफिनी जाति की थी और उसने उससे विनती की, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्फतह, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी ने कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आठवां अध्याय। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4,000 के लगभग थे। और उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया।
फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4 के लिए 7 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरियां। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने ये कहकर उसे घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांवों में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिय्याह और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिता कर कहा, मेरे विषय में ये किसी से न कहना। और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज्जाएगा।
नौवां अध्याय। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। छह दिन के बाद यीशु ने पत्रस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलियाह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पत्रस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है, इसलिए हम तीन मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूं, एलिय्याह तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती, वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल न सके। ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया।
जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। दसवां अध्याय। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा
और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि की और उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। तब उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को, पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वो फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। उसने कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे,
और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है? यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं पर लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसी आने लगे। यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ग्यारहवां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के निकट आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। वे उसे खोलने लगे। जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कुछ कहने लगे, ये क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया, और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वो उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वो
जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। और वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। उसके चेले ये सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उसने उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, परंतु उससे डरते थे क्योंकि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था। भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है? ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। बारहवां अध्याय। फिर वो दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर वो परदेश चला गया। फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा
कि उनसे दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। अब दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हम दें या न दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सात भाई थे, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों से संतान ना हुई, सबके पीछे वो स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे, तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वरन जीवतों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इसराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं,
और उसे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीड़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तेरहवां अध्याय। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पत्रस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूंडोल होंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे कि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे। जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे।
पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उसने उन दिनों को घटाया है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है, या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी की इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। चौदहवां अध्याय। दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे किस प्रकार छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं
कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वो बैत नियाह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। कुछ लोग अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वो ये अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वो मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो 12 में एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सबने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार
मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मुझसे हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वो फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। तब तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंचा। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। और वो आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा। परंतु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। लोगों ने उसे पकड़ा पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। तब वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हुए। पतरस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत तेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कितनों ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा। महायाजक ने उससे फिर पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा,
हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन? तुमने ये निंदा सुनी? तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वो वध के योग्य है। तब तो कोई उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वो बाहर डेहड़ी पर गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। परंतु वो फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा। वो इस बात को सोचकर रोने लगा। पंद्रहवां अध्याय। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने, वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौंप दिया। पीलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पीलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पीलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी, जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पीलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पीलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो तुम जिसे यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पीलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके
तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चलें और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। पहर दिन ही चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वो वचन के वो अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, मंदिर के ढहने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता, इसराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे इस प्रकार प्राण छोड़ते हुए देखा तो कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थीं। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी सेवा टहल किया करती थीं। और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सप्त के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री था और स्वयं परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वो हियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। पीलातुस ने आश्चर्य किया कि वो इतने शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है। सोलहवां अध्याय। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी
और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं। वे आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगी। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कंपकंपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थीं। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति न की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन।